हेलो फ्रेंड्स, डिवाइन फीड में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बेसन के लड्डू बनाना बताऊंगी। मैंने यहाँ पे कढ़ाई गर्म होने रख दिया है और मैंने यहाँ पे एक कटोरी बेसन लिया है, ये एकदम महीन बेसन है। और साथ ही मैंने कुछ कटी हुई बादाम भी लिया है और हाफ कटोरी मैंने पिसी हुई चीनी ली है। यहाँ पे कढ़ाई गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें 4 चम्मच घी डालूंगी। घी गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें बेसन डाल के भूनूंगी और इसे सुनहरा होने तक भूनूंगी और इसे मैं लगातार भूनूंगी ताकि बेसन जले नहीं। जब तक इसमें से खुशबू ना आने लगे और यह सुनहरा ना हो जाए तब तक इसे लगातार भूनते रहेंगे। अब देख रहे होंगे कि बेसन एकदम सुनहरा भून चुका है। अब इसमें हम कटा हुआ बादाम ऐड कर दे रहे हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू भी आने लगी है। मैं यहाँ पे फूड कलर ऐड कर रही हूँ। मैंने फूड कलर को पानी में डिसॉल्व कर लिया था। आप चाहें तो यहाँ पे सिंपल थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं जिससे कि आपका लड्डू दानेदार बनेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे एकदम महीन बेसन लिया था लड्डू बनाने के लिए। तो आप इसमें दानेदार बनाने के लिए थोड़ा सा पानी ऐड ज़रूर करें जिससे कि लड्डू दानेदार बनेगा। तो मैंने फूड कलर के साथ पानी ऐड किया था। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं गैस ऑफ कर दूंगी और इसे अच्छे से ठंडा कर लूंगी। उसके बाद मैं इसमें चीनी ऐड करूंगी। तो बेसन एकदम ठंडा हो चुका है, उसके बाद मैं इसमें पिसी हुई चीनी डाल रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी। चीनी अच्छे से मिक्स हो गया है, अब मैं इसके लड्डू बनाऊंगी। ये देखिए, कुछ इस तरह से मैंने लड्डू बनाए हैं। इसी तरीके से मैं सारे लड्डू बना लूंगी। मैं आपको लड्डू बना के दिखाती हूँ। ये देखिए, बेसन के लड्डू बनके तैयार हैं। ये लड्डू एकदम दानेदार बने हैं और जैसे बाज़ार में मिलते हैं बिल्कुल उसी तरीके से ये लड्डू बने हैं और ये स्वाद में भी बहुत ही अच्छी है। आपको भी ये रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और आप भी इसे ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये लड्डू कैसे लगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।